फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ग्लासी स्किन का सेकंड डे, जो कि मैंने 7 डे का चैलेंज ले रखा है। और इस टाइम मैंने कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाया है, बिना फ़िल्टर के है ये। और ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगी और वीडियो स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को ऊपर कर ली हूँ और आज मैं नहा ली थी क्योंकि मुझे कहीं पार्टी में जाना था इसके लिए। और कोई भी मेकअप नहीं है मेरे फेस पर, सिर्फ मैंने फेस को अच्छे से वॉश किया है, जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हो उससे। और फेस क्लीन कर लीजिए, आप दूध का भी यूज़ कर सकते हो, कच्चे दूध का, पके हुए दूध का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके घर पे कच्चा दूध नहीं है। तो सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ ले रही हूँ मैं 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच दही, हनी डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच, और चुटकी भर हल्दी। हल्दी से अगर आपको दाने निकल रहे हैं, क्योंकि हल्दी गर्म होता है, ऊपर से अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो आप हल्दी स्किप करें। जिनको हल्दी सूट नहीं करती है, रायांश भी उठ गया है, मैं सोची कि ये जब तक सो रहा है तब तक मैं वीडियो शूट कर लूँ, लेकिन उठ गया, कोई बात नहीं। फिर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर के मिक्स कर रही हूँ और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहा था, आप देख सकते हो। और जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ तो ये आता है मेरे पास और कैमरे में देखता है, और काफ़ी अच्छा सा क्यूट सा स्माइल देता है। इसके लिए जब ये सोता रहता है तभी मैं वीडियो शूट करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, नहीं तो ये मुझे करने नहीं देता, परेशान करता है, चीज़ें उठा के फेंकता है। अब देख रहे हो आप, मैंने प्लेट में दही रखा हुआ था और ये दही खा रहा था, और फिर जब मैंने इसको डांटा तो ये स्माइल दे रहा था। अब इसको मैं जाने के बाद फिर मैंने मेरा कैमरा वापस से सही किया, मोबाइल उठा के फेंक देता है, वीडियो शूट करने नहीं देता। तो चलो, यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, और ये सेकेंड डे है, अभी तक तो मुझे मेरे फेस पे कोई भी पिंपल्स नहीं आए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। तो वैसे भी घर के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो मुझे नहीं लगता ये साइड इफ़ेक्ट कुछ करेगा। और अच्छे से पूरे फेस पे लगा रही हूँ मैं, और गर्दन पे भी लगाऊंगी। आज मैं पूरे अपने हाथ पे लगा लूँगी क्योंकि आज मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पेस्ट बनाया था। फर्स्ट डे जब मैंने इसे ट्राई किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसके लिए मैं आज थोड़ा ज़्यादा ही पेस्ट बना ली हूँ। और कभी भी आप अगर ये पैक लगा रहे हो, तो कोई भी पैक लगा रहे हो, चाहे ये लगा रहे हो, चाहे कोई भी पैक लगा रहे हो, आप नहाने के पहले लगाओ। तो उससे कैसे, जब आप नहाओगे ना तो आपके बालों में जो थोड़े बहुत बेसन लगे होते हैं, तो जो भी पैक आप यूज़ कर रहे हो वो लगे रहते हैं, तो वो ईज़िली रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। नहीं तो वैसे बहुत प्रॉब्लम होती है, पानी भी वेस्ट जाता है। तो फटाक से लगाओ, 15-20 मिनट रखो और फिर रेडी नहाने चले जाओ। तो रैंस हो रहा था लेकिन आज ये उठ गया, इसके लिए अब सिर्फ मैं पानी से वॉश करूँगी क्योंकि तो यहाँ मैंने दोनों फेस पे लगा के अच्छे से इसको मसाज कर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपको मसाज नहीं करना है, और जिसकी सेंसिटिव स्किन है उनको तो बिल्कुल नहीं करना है, जिनको उनको रगड़ना नहीं है अपने फेस पे, और कोई भी मसाज नहीं करना जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो। और मेरी ड्राई है, सेंसिटिव नहीं है, बिल्कुल भी सेंसिटिव स्किन नहीं है मेरी। तो इसके लिए मैं हल्के हाथों से मसाज कर लेती हूँ, और आपको मसाज भी करना है तो बहुत ज़्यादा हाथों को ऐसे घिसना नहीं है, सिर्फ हल्के हाथ से मसाज करना है। और सेंसिटिव स्किन वाले बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो कैसे रेडनेस हो जाती है, फिर आप बोलोगे कि आपने मसाज करने को बोला था इसके लिए हमने किया, तो वो बिल्कुल ना करें। वो सिर्फ पैक लगा ले अपने फेस पे पूरे, जहाँ उनको अप्लाई करना है फेस पे हो जाए, गर्दन पे बच रहा है पैक तो थोड़ा हाथ पे लगा ले। फेंकने से अच्छा है कि आप उसको यूज़ कर लो, हाथ पे यूज़ कर लो, हाथ पे लगाने के बाद अगर बच रहा है तो पैर में भी लगा सकते हैं। मैंने लगाने के बाद अच्छे से तो मैंने हाथ पे मसाज कर लिया है, हाथों पे लगा के हो गया। अभी से सिर्फ 20 मिनट तक रखना है आपके फेस पे, 20 मिनट रख करके आप कोई भी काम कर सकते हो। तो यहाँ 20 मिनट हो गए हैं और पैक सूख गया है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम सूख करके एकदम कड़क हो जाए, आप 20 मिनट तक ही इसको रखना है, उससे ज़्यादा आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, कोई हार्मफुल तो है नहीं। तो 20 मिनट होने के बाद मैं इसे अभी वॉश करने जा रही हूँ।
तो यहाँ मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद जो फ्रेशनेस फील होती है ना, वो अलग ही लेवल की रहती है। अच्छे से मैं फेस को पोंछ लूँगी तौलिए से, साफ़ तौलिए का यूज़ करेगा आप। हाथों पे भी काफ़ी, मतलब मुझे 2 दिन में काफ़ी अच्छा लगा ये पैक, और मैं 5 दिन और लगाना चाहूँगी। देखती हूँ कि रिज़ल्ट इसका ग्लास स्किन का रहता है कि नहीं, और चैलेंज लिया है भाई, पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो हो गया है, फेस भी क्लीन कर लिया। अब आती है गुलाब जल की, और गुलाब जल में लगाने के बाद में प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे हल्का सा मुझे रेड रेड लग रहा था, लेकिन 1 घंटे के बाद ये अपने आप ही चला गया था। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। और इस टाइम मैंने फेस पे कोई भी पिंपल्स नहीं लगाया है, और आज 2रा दिन है। मैं अब बारी आती है गुलाब जल की। गुलाब जल लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको लगा के छोड़ देना है, और पूरे दिन आपको एकदम फ्रेश फील होगा। आप अगर मार्केट भी जा रहे हो तो सिर्फ एक काजल या लिपस्टिक लगा के जा सकते हो, कोई भी अलग से क्रीम या पाउडर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है 2nd डे। अब 3rd डे देखते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप देख सकते हो पीछे की मेरी जो रिंग लाइट है वो बंद है। सिर्फ ये मैं कोई भी लाइट में, आप बहुत ज़्यादा लाइट में वीडियो नहीं शूट की हूँ। सामने मेरे खिड़की है, खिड़की के सामने बैठ कर के मैंने वीडियो शूट किया हुआ है। और थोड़ा मैं घबरा गई थी जब ये थोड़ा लाल लाल हो गया था, लेकिन शायद वो मेरे नेल्स ही लग गए थे उसमें, और बाकी कुछ नहीं है। 1 घंटे के बाद वो नॉर्मल हो गया था मेरे फेस पर। तो अगर आपको भी ऐसा होता है